रिंकू सिंह, ये वो प्लेयर है कि इसको कुदरत ने वो खूबी दी है कि ये अगर मिट्टी को हाथ लगाए तो मिट्टी सोना हो जाती है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस, आप ये कह सकते हैं एक तरह से चले गए। अगर हार्दिक पांड्या ने ही कप्तानी करनी है और उसी कंडीशन पर वो गए हैं, तो फिर रोहित शर्मा का क्या होगा? अगर हार्दिक कप्तानी करते हैं और जैसे आप लोग नो बोल रहे हो कि रोहित शर्मा को उसके अंडर नहीं खेलना चाहिए, क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए T20 से? सॉरी टू यूज दिस। हर क्रिकेट प्रेमी ये जानना चाहते हैं क्या हार्दिक पांड्या के कप्तानी में रोहित शर्मा को खेलना चाहिए मुंबई इंडियंस के लिए या नहीं। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा। रिंकू सिंह को लेकर लोग कह रहे हैं कि टीम इंडिया को एक नया MS धोनी मिल गया, जिस तरीके से अंत के ओवरों में वो मैच को फिनिश करते हैं। तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वॉच, जानते हैं मुंबई इंडियंस के कौन कप्तानी करेंगे, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा। जब 2-3 साल पहले जब रिटेंशन की बात आई थी, उन्होंने मुंबई को यह कहा था कि आप मुझे कप्तान बना दें। रोहित शर्मा तब कप्तान थे, उन्होंने कहा था मैं एक सूरत में रुक सकता हूं अगर आप मुझे मुंबई का कप्तान बना दें। फ्रेंचाइजी ने उनको रिलीज कर दिया। देन ही वेंट टू गुजरात, वहां पे कप्तानी की, उन्होंने एक IPL जिताया, एक फाइनल लेकर गए। उनकी कप्तानी की इतनी तारीफ हुई फ्रेंचाइजी की क्रिकेट से देख के कि उनको इंडिया की कप्तानी दे दी गई। ठीक है, आज वो इंडिया की T20 कप्तान है, क्योंकि गुजरात ने उनको जब दिखाया कप्तान के तौर पर और जिताया उन्होंने अपनी टीम को आगे हार्दिक ने, तो ये हुआ कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। कट टू नाउ, हार्दिक अगर वापस जा रहे हैं तो वो कप्तान के तौर पे जा रहे होंगे, कप्तानी से नीचे तो नहीं कहेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते हैं चलो रोहित भाई जो है एक सीजन कप्तानी कर लें और फिर अगले सीजन से मैं कप्तान हूं, ये भी एक डील हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हार्दिक पांड्या ने ही कप्तानी करनी है और उसी कंडीशन पर वो गए हैं, तो फिर रोहित शर्मा का क्या होगा? हम ये ना भूलें कि रोहित शर्मा भारत के वर्ल्ड कप कप्तान थे। एक हफ्ता पहले वर्ल्ड कप का फाइनल था और रोहित शर्मा की तो बातें हो रही थी कि कपिल देव, धोनी और फिर रोहित शर्मा का पोस्टर होगा। तो अचानक से एक हफ्ते में क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जिसे उन्होंने अपनी कप्तानी में 5 टाइटल्स दिलाए हों, वो फ्रेंचाइजी रोहित को कप्तान से हटा दे? क्या ये जो ट्रेड ऑफ हुआ है या जो बायआउट हुआ है, हार्दिक मुंबई आए हैं, वॉज रोहित वेरी कीन ऑन दैट? तो फिलहाल हालांकि आप जानते हैं कि 26 तारीख 4 बजे तक का वक्त होता है और वहां पर जाकर आप आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बता देते हैं कि जी ये हो गया, इट इज डन। ये कि इसकी अनाउंसमेंट अभी ना गुजरात ने की है, ना मुंबई ने की है, ना BCCI ने की है, लेकिन वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। अब दिक्कत ये है कि गुजरात को एक नया कप्तान बनाना पड़ेगा। शुभमन गिल को उन्होंने तैयार कर लिया है, शुभमन गिल उनके कप्तान है आने वाले सीजन के लिए, और उनको फिर बड़े खिलाड़ी भी चाहिए होंगे। आपको भी हार्दिक की जो है वहां पे देखनी है कि उसकी फिटनेस क्या है। तो रोहित बोलेगा भाई जब मैं कैप्टन था ये तो आधे टूर्नामेंट में बाहर हो गया, कैसे जिताएगा? बोल सकता है, मैं जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, लेकिन आपके हिसाब से रोहित शर्मा को खेल लेना चाहिए? खेल लेना। यहाँ पे जो है ज्यादातर कमेंट सेक्शन में ये आ रहा है कि नो लिख रहे हैं लोग, पता है मुझे नो ही आएगा। ज्यादातर लोग लिख रहे हैं नहीं खेलना चाहिए हार्दिक के अंडर। मैं क्या बोलता हूं, अब मेरी सोच थोड़ी अलग है, इसलिए मैं थोड़ा एंड में बताता हूं। यस सर, ठीक है, पहले मैं बाकी सवाल पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, सेकेंड सवाल, अगर हार्दिक कप्तानी करते हैं और जैसे आप लोग नो बोल रहे हो कि रोहित शर्मा को उसके अंडर नहीं खेलना चाहिए, क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए T20 से? सॉरी टू यूज दिस, टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बोले भाई मैं MI को नहीं छोड़ूंगा, मेरे को भाड़ में जाए, T20 में मैंने इंटरनेशनल वैसे ही छोड़ दिया, मैं IPL छोड़ता हूं, भाड़ में जाए, खत्म होए। अगर राइडर के साथ बोल रहा हूं, अगर हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि उनको अंडर नहीं खेलना चाहिए, तो क्या रोहित शर्मा रिटायर होना चाहिए? ठंडे दिमाग से सोचना इसके बारे में, उनकी भी ब्रांड वैल्यू है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी पैसा कमाना है, वो भी किसी और टीम के साथ जाके खेल सकते हैं, या फिर वो रिटायर कर जाए कि कोई बात नहीं, टेस्ट मैच में कॉन्सेंट्रेट करें, टेस्ट में कप्तानी करें इंडिया के लिए, रेड बॉल में WTC जिताए। क्या रोहित शर्मा को अगर यहां पे फोर्स किया जाता है कि कैप्टन हार्दिक के अंडर खेलो नहीं तो लीव मुंबई इंडियंस, तो क्या उनको रिटायर कर देना चाहिए? इसके बारे में क्या ख्याल है, यस या नो? शुड रोहित रिटायर और नॉट फ्रॉम IPL, IPL एंड T20 क्रिकेट, Not from anything else. IPL and T20 cricket. Yes या no? सोच लीजिए। क्या हार्दिक पांड्या के कप्तानी में रोहित शर्मा को खेलना चाहिए या किसी दूसरे टीम में चले जाना चाहिए? जिस तरीके से रोहित शर्मा का अभी फॉर्म लगा हुआ है,
वर्ल्ड कप में काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसे में रोहित शर्मा को मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस के कप्तानी करना चाहिए। क्या रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या के कप्तानी में खेलना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा सेकेंड T20 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला जाएगा, जिसमें रिंकू सिंह एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। कल का मैच में जिस तरीके से वो पहला T20 मैच खेला था, काफी शानदार बैटिंग किया था, इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें एक नया MS धोनी मिल गया है। आपको इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।